पिछले कई दिनों से हमारे पास आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, खासकर वैसे बच्चे जो कि सेशन टू के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, लेकिन फॉर्म को फिल करने में उनके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप उन सभी गलती को करेंगे तो इस बार मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सेशन टू के एग्जामिनेशन में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने प्रोसेस को कंप्लीट करा ही नहीं, पेमेंट करा ही नहीं, लेकिन आपके सेशन टू के एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों का ना सेशन वन में कहीं ना कहीं गलती था, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में उनका कैटेगरी गलती हो गया था, तो इस वजह से या फिर कहीं ना कहीं नेम में, फादर नेम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही चेंज कर दिए और वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है। तो क्या वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या उनका न्यू जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही से समझ में आ सके। ठीक है, देखो बेसिकली आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा, प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि जैसे ही आप सेशन टू एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करते होंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखो सेशन टू तो भाई लिख करके आ रहा है जेई मेन 2024 सेशन टू, और इनके तीनों ही एप्लीकेशन देखो यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात है ये है ना कि इन्होंने अभी तक सेशन टू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं करा है, सिर्फ इन्होंने सेशन वन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, सेशन टू का अभी कुछ नहीं हुआ है। और अगर ये बच्चे ये सोच करके छोड़ देंगे कि भैया मैंने सेशन टू का भी फॉर्म तो मुझे कंप्लीट ही दिखा रहा है, तो आप इस बात को याद रखो कि आपने सेशन टू का पेमेंट नहीं करा है, इस वजह से आपको सेशन टू में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको सेशन टू में बैठने नहीं दिया जाएगा। और ये अपनी लाइफ की आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। तो कैसे पता चलेगा भैया सेशन टू का हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है कि नहीं करा है, तो बेसिक सी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आपको देखो लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, वहां पे देख करके आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप जाएंगे पर्सनल डिटेल्स में, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने ये सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। एक बार सही से देख लेना कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, गलती होगा तो सुधार भी नहीं पाएंगे क्योंकि सेशन वन में जो आपने डाला है वही रहेगा, हो सकता है सेशन टू में एक बार फिर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे आपको जाना है, और भाई देखो यहाँ पे अनटिक है, देखो यहाँ पे गलती हो जाता ना, सेशन वन तो इनका टिक है लेकिन सेशन टू अनटिक है, तो सेशन टू इनका टिक करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले तो भाई सेशन टू पे टिक करो, ठीक है, उसके बाद में आप यहां पे चूज करो कि बी प्लानिंग, बी आर्क या बीई बीटेक के लिए, तो ये बीई बीटेक सिर्फ देना चाहते हैं तो यहां बीई बीटेक रहेगा, और यहां सेशन टू क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। सेशन टू टिक करने के बाद यहां पे अपना कैप्चा जो है वो फिल करिएगा, ठीक है, ये कैप्चा फिल करके आई अग्री करिएगा और सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ना, जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सारा डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर लीजिएगा, हालांकि वही होगा जो आपके सेशन वन में होंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट, अपलोड डॉक्यूमेंट यहां पे, और उसके बाद फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, नीचे जाने के बाद यहां पे सबमिट फाइनल कर देना है आपको। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद टिक आपको सभी ऑप्शन पे करने, ठीक है, सभी ऑप्शन अगर सही है तो हाँ मैंने सभी पे यहां पे टिक कर दिया, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हो गया क्या यहां पे फाइनल सबमिट, अब यहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन खुल गया, देखो पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है 800 रुपये, पे नाउ पे क्लिक करके अब आप पेमेंट करेंगे। तो यही गलती हो रहा था बच्चों के साथ में, तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन के सामने आपका कंप्लीट दिखा रहा है ना, उसके बाद में जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे और यहां पे पेमेंट करने के लिए बता रहा है, पेमेंट करने के बाद आपका सेशन टू के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा, और अभी जो कंप्लीट दिखा रहा है वो सेशन वन के लिए कंप्लीट दिखा रहा है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 800 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप मेल हैं फीमेल हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। ये फीमेल है तो इनका 800 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। पेमेंट करते ही आपका सेशन टू के एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। दूसरी बात, एक साथ अगर आपने दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आपने फॉर्म फिल करा है या नहीं करा है,
पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। V2 एकेडमी आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने से लेकर के टील एडमिशन आपका सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। और सेशन 2 के लिए मैं आपको एक कोर्स भी सजेस्ट करूंगा जिसे आप पढ़कर सेशन 2 और एडवांस में अपने मार्क्स को काफी बूस्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे सेशन 2 में अच्छा करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग JEE 1 के, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर, उसके अलावा उनकी पूरी टीम आपको JEE अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों के लिए अलग अलग बैच है, तो आप एक साथ भी कंबाइंड करके ले सकते हैं। जैसे अलग अलग लेना चाहते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तो 1499 में आपका मिल जाएगा, जिसमें अगर आप कोड यूज करेंगे JEE 150 तो आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कोड आप लोग जरूर यूज कर लेना, डाल करके अप्लाई पे क्लिक करना तो जैसे ही आपका कोड यूज हो जाएगा। ठीक है, वहीं एडवांस के लिए भी बैच है, एडवांस के लिए भी ले सकते हैं। और साथ में दोनों लेना चाहते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों, तो आप ये वाला ले लेना, फिनाले एक्स बैच। ठीक है, जिसमें अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जाकर के आपको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही JEE मेन का प्रिडिक्टर पेपर जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, तो इसे अलग से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अलग से लीजिएगा तो कोड अप्लाई कर लेना तो कोड आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप बैच लेते हैं तो उसके साथ में आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो बैच को परचेस करना बहुत आसान है, JEE 1 के एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके JEE 1 का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, वही नंबर डाल करके करिएगा जिसपे आपको बैच का एक्सेस चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इंटर करेंगे तो JEE 2024 और JEE 2025 आपको वहां पे शो करेगा। 2024 वाला पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने चारों बैच आ जाएगा। आप सिंपली कोई भी बैच परचेस करेंगे तो कोड यूज कर लेना JEE 150। मेरे हिसाब से आप अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों का परचेस करिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। 150 का डिस्काउंट होकर के आपका 1849 में आपको मिल जाएगा। तो अभी जाकर के आप लोग बैच को परचेस करिए JEE 1 का, और अपने अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जाकर के आपको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म का पेमेंट तो आपने नहीं किया, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट दिखा रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन होगा? तो मैंने आपको सॉल्यूशन सारा बता दिया कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अंदर जाकर के आपको सेशन 2 भी टिक करना पड़ेगा, फिर फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, और फाइनल सबमिट के पास में पे नाउ का ऑप्शन आएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये निकलकर सामने आती है कि अगर कहीं ना कहीं गलती हो गया है तो क्या करें। देखो, सेशन 2 में हो सकता है कि एक बार फिर से आपके करेक्शन विंडो ओपन किया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो एक बच्चों के एज अ यूनिक दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं हो सकते। और अगर ऐसा है तो NTA ने पहले ही आपको मना करा है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एग्जामिनेशन से बिल्कुल बाहर कर दूंगा, चाहे आप कितना भी रैंक लेकर के आ जाएं, आपका एडमिशन नहीं होगा, JEE मेन के एग्जामिनेशन NTA आपको बाहर कर देगी। ठीक है, सो आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। ऐसी गलती होती है और NTA को बाद में प्रॉब्लम होता है फाइनलाइज करने में, यूनिक कैंडिडेट को खोजने में NTA को बहुत माथा पिची करना पड़ता है। इस वजह से आप लोग ये मत करिए कि दो दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है, एक बच्चे सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने दोनों एक साथ कर दिया भाई, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है, पेमेंट अगर आपने सेशन 2 का किया है, सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो कुछ भी अपडेट होगी V2 एकेडमी आपको सबसे पहले और लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करती है, और बिल्कुल सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और साथ ही JEE 1 की जो मैंने बैच आपको बताया ना, बहुत कम दाम में है, और अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए अभी सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि JEE अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों के लिए आप एक साथ परचेस कर लीजिए, जिसमें आपका JMPP जो है फ्री मिल जाएगा, अभी है ना ऑफर चल रहा है, तो अभी जाकर के आप लोग परचेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।